नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि शेड्यूल मनी ट्रांसफर के बारे में। इस फैसिलिटी की मदद से अगर आपको 5 दिन 10 दिन बाद किसी व्यक्ति को पैसा को ट्रांसफर करना है, अगर आप 5 दिन 10 दिन के बाद जिस दिन आप उस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उस दिन कोई एक इमरजेंसी काम आ गया या मेडिकल प्रॉब्लम आ गया है, तो उस दिन आप जो है उस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक फैसिलिटी लॉन्च किया है, जिसकी मदद से अगर आप जो है 5 दिन 10 दिन पहले जितना भी आपको जो भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके बजाय आज ही आप उस व्यक्ति को पेमेंट जो है शेड्यूल लगा सकते हैं। उसका जो पैसा उसी डेट में ट्रांसफर हो जाएगा, आपको झंझट भी नहीं रहेगा इतने तारीख को इस आदमी को पैसा को ट्रांसफर करना है, तो आप जो है शेड्यूल करके मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि 5 दिन बाद आपको जो है किसी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करना है 10,000 रुपये, तो उस दिन आपको अगर छुट्टी नहीं रहा तो उसके बजाय आज ही आप उस व्यक्ति का 10,000 जो है शेड्यूल लगा दीजिए और 5 दिन बाद जो भी आप तारीख पड़ता है, जो भी डेट पड़ता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और तारीख जो आएगा डेट आएगा वो उतना ही टाइम और डेट में जो है उसका पैसा जो है ट्रांसफर हो जाएगा आपके खाते से, यानी कि उनके खाते में चला जाएगा। तो ये जो फीचर कैसे काम करता है तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, अगर आप ग्राहक है ये सब फैसिलिटी का आप लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले आपको योनो SBI ऐप जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए। तो चाहे तो आप यूजर ID से और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपका MPIN बना हुआ है तो MPIN से ही लॉगिन कर लीजिए ज़्यादा सुविधा के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे MPIN से लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे योनो पे पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप योनो पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इस पेज पे आने के बाद सर्च बेनिफिशियरी आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं तो आप जो है अदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको खुद बेनिफिशियरी जो भी आपने ऐड किए हैं वो यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नया बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नीचे में पे ए न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे शेड्यूल मनी ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको जो है बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ता है। तो ये जो है मैं बाद में बताऊँगा कि फ़िलहाल मेरा जो है बेनिफिशियरी यहाँ पर ऐड है, ये मेरा अकाउंट है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये मेरा डिटेल इसका जो है सारा कुछ आ गया, यानी कि बेनिफिशियरी ऐड करने का ये मतलब है कि पहले से ही आप उसका अकाउंट नंबर IFSC कोड सब इंटर करके रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही उस नाम को सर्च करते हैं वो आ जाता है, तो आपको दोबारा जो है आपको अकाउंट नंबर IFSC कोड भरना नहीं पड़ता, यही बेनिफिशियरी का खास बात है। तो यहाँ पे जितना भी आप अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको 10 रुपया डेमो के तौर पे दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे ये रहा। उसके बाद रिमार्क में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट मेथड जो सेलेक्ट करने का मिलता है, देखिए पे लेटर शेड्यूल। तो अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहीं से आप शेड्यूल कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस को नहीं करना चाहते हैं, आपको अभी तुरंत ही आपको पैसा ट्रांसफ़र किसी को करना है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको 5 दिन 10 दिन बाद ये पैसा अगर आप चाहते हैं दूसरे व्यक्ति को मिले शेड्यूल करके, तो आप यहाँ पे लेटर शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोला जाता है आप किस डेट को उस व्यक्ति को पैसा देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आज हो गया 18 नवंबर, तो आज यहाँ पे 18 नवंबर हो गया, तो मैं इसको 20 नवंबर को पैसा को ट्रांसफ़र अपने खाते से करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 20 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा शेड्यूल हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उसका जो है जो जिस भी व्यक्ति को आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, साथ ही साथ आपके अकाउंट का भी सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल डे, यानी कि 20 तारीख को ये जो पैसा उनके खाते में चला जाएगा। खाता आज ही 18 नवम्बर है,
ये जो है 20 नवंबर को उनके खाते में पैसा चला जाएगा। यही है शेड्यूल मनी ट्रांसफर का बेनिफिट। तो यहाँ पे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं, नेक्स्ट बटन पे नीचे में है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे ओटीपी देने के बाद। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन शेड्यूल 20 तारीख को यह पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा और दूसरे के खाते में चला जाएगा। ठीक है, यही इसी तरीके से आप जो है शेड्यूल कर सकते हैं। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करते हैं। जब तक आप बेनिफिशियरी को ऐड नहीं करेंगे तब तक ये शेड्यूल आप नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लिस्ट भी मिल जाएगा आप कितने लोगों को शेड्यूल किए हैं, जैसे कि शेड्यूल ट्रांसफर लिस्ट। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ही व्यक्ति को मैंने अभी किया है, तो यहाँ पे वो मिल जाएगा। ठीक है, न्यू बेनिफिशियरी पे आप क्लिक करेंगे, जो कि नीचे में एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जाएगा इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड देने के लिए। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख के जो है आप इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा नया बेनिफिशियरी एड करने के लिए। सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर उस व्यक्ति का SBI का अकाउंट है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आप क्लिक करेंगे। अगर अदर बैंक है, जैसे कि यूको हो गया, उसके बाद इलाहाबाद हो गया, कोई भी अदर बैंक हो सकता है, तो आप यहाँ पे अदर बैंक पे क्लिक करेंगे। तो SBI का है तो आप यहाँ पे SBI पे क्लिक करेंगे। तो मेरा जो है जिस भी व्यक्ति को हम पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस व्यक्ति का अकाउंट जो है SBI का है, इसलिए मैं SBI अकाउंट सेलेक्ट किया। अगर उनका अदर बैंक है तो यहीं से भी आप चेंज कर सकते हैं अदर बैंक अकाउंट पर। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप अदर बैंक अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो जो है IFSC कोड देना पड़ता है। बाकी बात सेम प्रोसेस वही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है SBI अकाउंट पे IFSC कोड नहीं मांगता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो है ला लेता है IFSC कोड। तो यहाँ पे जिस भी व्यक्ति को आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम, उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद फिर से कंफर्मेशन के लिए अकाउंट नंबर, उसके बाद मैक्सिमम लिमिट आप कितना भेजना चाहते हैं, 10,000, 5,000, 20,000 ये भी दे सकते हैं। उसके बाद निक नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, निक नाम में आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना नाम, उनके नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपका बेनिफिशियरी एड हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है मनी ट्रांसफ़र शेड्यूल कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो है शेड्यूल मनी ट्रांसफर इसी तरह वर्क करता है। आप इसी तरह इस शेड्यूल मनी ट्रांसफर का उपयोग करके आप जो है किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाहिर सी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ भी और पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।